आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है रेडियो लेबलिंग टेक्टिक्स स्टार्ट करते हैं विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जैसा कि हम जानते हैं कि एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके सराउंडिंग में मूव करते रहते हैं ठीक है और जो ये प्रोटॉन्स uh, होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं ठीक है न होता मास ऑफ एटम मास ऑफ एटम क्या होता है सम नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन का नंबर का जोड़ जो है वो मास ऑफ एटम कहलाता है एटोमिक नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड डिफाइन द केमिकल एलिमेंट्स ठीक है अब बात करते हैं आइसोटोप की आइसोटोप क्या है आइसोटोप है इट इज ए स्पीसीज ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट विद द डिफरेंट एटोमिक मासज एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है सेम केमिकल एलिमेंट की स्पीसीज है जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है उनके न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट है अब यह स्टेबल है या अनस्टेबल है अगर ये अनस्टेबल है तो ये क्या करते हैं एक न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट में जाएंगे ठीक है यानी कि इनका डिकम्पोजिशन होगा और इस डिकम्पोजिशन में ये क्या काम करेंगे रेडिएशन को इमिट करेंगे ठीक है तो ये रेडिएशन जो इमिट होगी ये के ये कहाँ से निकलेंगी ये निकलेंगी सब एटोमिक से, और हमने पढ़ा सब एटोमिक पार्टिकल्स क्या है ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स अन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यहां से ये रेडिएशन निकलेगी और द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएशन तीन तरह की होती है अल्फा बीटा एंड गामा अल्फा रेडिएशन जो होती है वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती इसे मेडिकली कम काम में लिया जाता है बीटा एंड गामा रेडिएशन को काम में लिया जाता है रेडियो एसोटोप आर फाउंड इन नेचर एंड एनी पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट इज कम्पोज ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोट बोध रेडियो एंड नॉन रेडियो ठीक है अब ये आइसोटूब जो है इनको सिंथिसाइज भी किया जा सकता है हेयर या हम देख सकते हैं एक रिएक्शन है जिसमे नाइट्रोजन और न्यूट्रोन की रिएक्शन हुई है और उसने क्या किया कार्बन बनाए है और प्रोटोन्स को रिलीज किया है और ये बना हुआ कार्बन कैसा है अरेस्टेबल कार्बन है तो ये क्या होगा डिके होगा और जब ये डिके होगा तो ये क्या करेगा न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोटॉन्स में इसे हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि कार्बन डिके हुआ उसने क्या बना लिया नाइट्रोजन बना लिया बीटा रेडिशन इससे रिलीज हुई है और न्यूट्रोनो इससे रिलीज हुए, हुए हैं नाउ हम बात करते हैं डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ आइसोटोप की अभी हमने बात करी कि ये जो आइसोटोप है क्या करते हैं और रेडिएशन को निकालेंगे ठीक है तो हर एक रेडियो मटीरियल क्या करेगा एनर्जी को इमिट करेगा ठीक है नाउ इमिशन इज ए डिस्टिंक एनर्जी स्पेक्ट्रम यू भी कहें इट इज रेंज रेंज फॉर ईच आइसोटोप तो बीटा रेडिएशन दीज एनर्जी इन द वेलोसिटी ठीक है एटवेच द इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस इच आइसोडोब इेक्टराइज मैक्सिम एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड ठीक है तब पढ़ते हैं हम रेडियो एक्टिव डिके रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है ए रैंडम प्रोसेस इन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर एटम विल डिके इज द सेम पुर इच ऑफ द एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटो ठीक है ईच आइसोटोप ए डिस्टिंग रेट ऑफ डिके हर एक आइसोटोप की अपनी एक रेट होती है जिस पे वो डिके होता है जिसे हम किस फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं जिसे हम हाफ लाइफ के फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं या डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो वॉट इज हाफ लाइफ हाफ लाइफ ऑफ ए आइसोटोप इज द टाइम इट टेक फोर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी टू डिके एंड इज इनडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो न्यूक्ली साइट। रेडियो एसोडोब कैन बी डिफाइंड बाय द एनर्जी ऑफ देयर इमिशन एंड देयर हाफ लाइफ ठीक है अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें रेडियो एक्टिविटी की यूनिट तो इसकी यूनिट किस फॉर्म के अंदर होती है डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ठीक है तो टाइम के फॉर्म के अंदर इसे काउंट करते हैं तो ये ऐसे भी हो सकता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड टीपीएस और डिस इंटीग्रेशन परमिश डीपीएम ठीक है और इस रेडियो एक्टिविटी को बिकरल के बिकरल भी कहते हैं ठीक है और इसे वन डीपीएस के जैसे डिफाइन किया जा सकता है अगर इसे क्यूरी के फॉर्म में पढ़े तो ये होता है वन क्यूरी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन इन टू टेंस टू पावर टेन डीपीएस और रेताफोर्ट के फॉर्म में पढ़े तो वन रेताफोर्ट इज टू टाइम्स टू पावर सिक्स डी पी एस जो एटम्स आइसोटोप्स जो हैं, हैं, हैं और वो आ, रेडियो एक्टिविटी को वो रिलीज करते हैं ठीक है तो दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ठीक है लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनको मेडिकली के अंदर काम में लिया जाता है ठीक है ये कुछ ट्रीटमेंट के अंदर इनको काम में लिया जाता है कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे जैसे कि बिस्मित है 213, थर्टीन फोर्टी एटी क्रोमियम फिफ्टी इसे यूज किया जाता है लेबल टू लेबल आरबीसी एंड क्वांटिफाइंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटीन लॉस कोमाल सिक्स इसे यूज किया जाता है फोर द एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी के अंदर ठीक है फिर हम यूज करते हैं देख सकते हैं होलमियम सिक्सटी सिक्स फॉर द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर ट्यूमर आर एन फिफ्टी नाइन टू स्टडी ऑफ आर एन मेटामोलोज इन स्पलेन आर्ड इन वन ट्वेंटी फाइव इन कैंसर ब्रेक्योथेरापी आर्डिन वन थर्टी वन इन ट्रीटिंग थायरयड कैंसर एंड इमेजिंग द पोटेशियम फोर्टी टू फोर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंजेबल पोटेशियम इन coronary blood flow, sodium-24 for study of electrolytes within the body, xenon-133 for pulmonary ventilation studies. Okay. Now the measurement of beta radiation. Three methods commonly used to measure beta radiation. None of these methods measure beta particle directly but measure the effect of cohesion between the beta particles and assay system. Okay. तो फर्स्ट मेथड है इसका ग्रिगर मूलर काउंटर ये ग्रिगर मूलर काउंटर का ऑपरेटर्स है ठीक है दो साइंटिस्ट ग्रिगर मूलर 1925 में ने डिस्कवरी की दैट नॉट वाइडली यूज एज ए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बट इज यूज मोस्ट ऑफन फॉर द मॉनिटरिंग द पॉसिबल रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ठीक है एंड एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो ये टिपिकल आ, ये टिपिकल ग्रिगर मूलर काउंटर है जहां पे ये पूरी एक क्या है एक ग्लास ट्यूब है जिसमें गैस भरी हुई होती है नियोन और आर्गोन इसके अंदर गैस भरी हुई होती है और इसे लो प्रेशर पे रखा जाता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें जो कैथोड होता है ये एक होलो मेटल सिलेंड्रिकल है सिलेंडर है और जो एनोड होता है वो एक वायर के जैसे होता है दोनों इलेक्ट्रोड को ज्वाइन किया जाता है और एक हाई वोल्टेज सोर्स से ज्वाइन किया जाता है जिसे हम जीएम एम्पलीफायर कहते हैं ठीक है और ये एक साइड से सील होता है विद द मीका शीट ठीक है ये मीका विंडो है यहां से यह, यहां से ये यह सील हुआ फायर तो बीटा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द मीका मीका शीट विल डिसलोग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर्ट गैस रिजल्टिंग इन द आयन पेयर्स ठीक है तो ये जो आयन पेयर्स है इनको फिर बाद में क्या किया जाता है डिटेक्ट किया जाता है ठीक है तो आयन पेयर्स आर देन डिटेक्टेड एज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बिटवीन द एनोड एंड कैथोड ठीक है तो ग्रिगर मोलर काउंटर इज अनेबल टू डिटेक्ट द लो एनर्जी आइसोप सिंस रेडिएशन रेडिएशन नीड टू penetrate the mega sheet and sloped enough electron to create a detectable electrical potential next instrument i pass we have autoradiography ऑटो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एक्सरे फिल्म को काम में लेते हैं ठीक है तो एक्सरे फिल्म का एक्सपोजर किया जाता है रेडियो एक्टिव सैंपल के साथ एक्सपोजर ऑफ एक्सरे फिल्म टू ए रेडियो एक्टिव सैम्पल द रेडियो एक्टिविटी बिहेव एज ए लाइट एंड रिजल्ट इन द एक्सपोजर ऑफ द फोटोग्राफिक इमल्शन ऑन द फिल्म ठीक है रेडिएशन एक्टिवेट द सिल्वर हेलाइट इन द फोटोग्राफिक इमल्शन तो फोटोग्राफिक इमल्शन पे सिल्वर हेलाइट जो होते हैं उसको ये एक्टिवेट करते हैं अब ये सिल्वर हेलाइट जो है ये एक्टिवेट हो गया अब एक्टिवेटेड सिल्वर हेलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं मेटेलिक सिल्वर के अंदर सिल्वर ये अब फिल्म पर एक ग्रेन के जैसे या स्पॉट के जैसे अपेयर हो जाते हैं ये वहां वहां पेयर होते हैं जहां पे रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है या जहां पे ये लोकेट होते हैं ठीक है अदर इसके यूज है कि इसे जेल इलेक्ट्रोफोसिस के काम के साथ काम में लिया जा सकता है माइक्रोस्कोपी के साथ काम में लिया जा सकता है जेल के साथ अगर काम में ले रहे हैं तो ये प्रोटीन्स के आइडेंटिफिकेशन और उनके क्वांटिटी क्वांटिटेशन के लिए अलाउ करते हैं ठीक है द ऑल्सो पॉसिबल टू लोकलाइज द रेडियो एक्टिव मार्कर टू पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेल्स इन टिश्यूज ठीक है एंड दीज डार्क ग्रेन्स और स्पॉट विल अपीयर ओवर द सेल्स विद वेच कंटेन द रेडियो एक्टिव मार्कर तो यूजली क्या होता है कि uh, जो लोअर एनर्जी आइसोटोप्स जो होते हैं उन्हीं को काम में लिया जाता है क्योंकि हायर एनर्जी आइसोटोप को अगर हम काम में लेंगे तो वो क्या होता है दे ट्रेवल द ग्रेटर डिस्टेंस ठीक है तो एक्टिवेट द मोर सिल्वर है एटम प्लस द प्रोड्यूसिंग द लॉन्ग ट्रैक ठीक है तो एक लॉन्ग ट्रैक प्रोड्यूस होता है इसके लिए हम क्या करते है? इसी वजह से हम क्या करते हैं इसके अंदर लोअर एनर्जी आइसोटोप को काम में लेते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर वो है गामा रे डिटेक्शन अब ये गामा रे डिटेक्शन का एक आ, प्रोसीजर इसके अंदर दिखाया है जहां पे क्या है कि गामा रे इसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो गामा रेस कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर बाय द सेम मेथड एज अ बीटा पार्टिकल्स जैसे कि गिरगर मुर्गर काउंटर में किया है ऑटो रोटोग्राफी में किया गया है ठीक है और लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर में किया जाता है लाइक द बीटा पार्टिकल्स Gamma rays are the uh, ionizing radiation will be detected with Grigor Muller counter. Gamma rays are the same as X ray and will expose the photographic emulsion. The electron are ejected when the gamma rays interact with the other substance. The possible to measure gamma rays with a liquid scintillation counter. The counting chamber. ऑफ ए गामा काउंटर इज द साउंडेड बाय द थेलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल ठीक है दिस वन ये थेलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल से बना हुआ है ठीक है तो जैसे ही गामा रेज इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ ये क्या काम करता है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है ठीक है The, और बीटा पार्टिकल्स को रिलीज करता है द बीटा पार्टिकल्स रिजल्ट इन द रेडिएशन इन द विजिबल इमेज ठीक है डिटेक्टेड एंड क्वांटिटेटेड बाय फोटो मल्टीप्ल ट्यूब इन द सेंटिलेशन स्पेक्टो ठीक है तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी सेंटिलेशन कॉकटेल की कॉकटेल की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर इन ऑफ रेडियो एक्टिव इन रेडियो एसोडोप इन बायो बायोलॉजिकल टिश्यू एंड सेल तो ये क्या है एक तरह के ट्रेसर है ठीक है यहाँ पे हम क्या करते हैं शॉर्ट शॉर्टली आइसोटोप को काम में लेते हैं और हम ये केमिकल कंपाउंड uh, से इसको लिंक कर दिया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसे आपको डिटेक्ट करना है उसको ये चेक कर सकते हैं ठीक है अब इनको कैसे दिया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में या इनहलेशन या ओरली दिया जाता है द फर्स्ट टाइप आर वेयर द सिंगल फोटोन आर डिटेक्टेड बाय द गामा कैमराज ठीक है तो गामा कैमरास ने उसे डिटेक्ट किया और उसने क्या किया ऑर्गन्स और जो भी व्यूज ऑर्गन्स है उनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे उन, उनकी इमेजेस उसने ली ठीक है तो कैमराज अप एंड इमेजेस ठीक है फ्रॉम द फ्रॉम द पॉइंट्स जहां पे रेडिएशन इमिट हो रही थी ठीक है तो और इन इमेजेस को फिर कंप्यूटर द्वारा एनहांस किया जाता है जिसे एक फिजिशियन है अपने मॉनिटर पे देखते हैं ठीक है अब रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर एक नई टेक्निक आई है वो है पीई टी दट इज पोजिस्ट इमिशन टोमोग्राफी ये मोर प्रिसाइज और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है जहां पे आइसोटोप को काम में लिया जाता है आ, इन प्रोड्यूसिंग इन ए साइक्लोट्रोन ठीक है इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन एंड एक्यूमलेट इन द टारगेट टिश्यू ठीक है तो ये क्या होंगे टाइम के साथ जब ये डिके होंगे तो ये क्या करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन को इमिट करेंगे और इलेक्ट्रॉन करेंगे दैट इज डिटेक्टेड बाय पीईटी कैमरा ठीक है पीईटी कैमरा द्वारा उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है एंड गिव द वेरी प्रिसाइज इंडिकेशन फॉर देयर ओरिजन तो इम्पोर्टेंट रोल इसका किसमें है वो है ऑनकोलोजी के अंदर ठीक है विद पे फ्लोरीन एटीन को काम में लिया जाता है एज ए ट्रेसर जो कि एक एक्यूरेट और इन्वेस्टिव नॉन इन्वेस्टिव मेथड है ठीक है इसके साथ साथ कार्डिक और ब्रेन इमेज भी इससे ली जा सकती है ठीक है अब इसके बाद और न्यू टेक्निक आई है जहां पे पीईटी और सीटी स्कैन दोनों को एक साथ काम में ले लिया गया तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया जहां दो इमेजेस आ रही थी और अब ये क्या है कि एक अच्छा रिजल्ट थर्टी परसेंट बेटर डायग्नोस्टिक रिजल्ट जो है ये देता है पोजिशन पोजिशन ऑफ पोजिशनिंग ऑफ द रेडिएशन सोर्स विद इन द बॉडी मेक द फंडामेंटल डिफरेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेडिसिन गामा रेस के गामा मेथड क्या कर रहा था ये क्या कर रहा था ये ए, ये बता रहा था इलेक्ट्रोमेंगनेट आइसोटोप जो होते हैं बॉडी के अंदर उसका कंसंट्रेशन और पोजिशन को बता रहा था ठीक है ऑर्गन माल माल फंक्शन कैन बी डिटेक्टेड ठीक है अब ये क्या कर रहे हैं ये आइसोटोप क्या कर रहे हैं ऑर्गन द्वारा Uh, या तो पार्शली ले लिए जाते हैं या फिर ज्यादा अमाउंट में ले लिए जाते हैं ठीक है इफ ए सीरीज ऑफ इमेज टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एन अन पैटर्न और द रेट ऑफ आई मूवमेंट कोड इंडिकेट माल फंक्शन इन द ऑर्गन्स ठीक है तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है न्यूक्लियर इमेजिंग की जा रही है तो जिसका एडवांटेज है कि ये क्या है बोन के साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू भी की इमेजेस भी बहुत सक्सेसफुल और अच्छी देना है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें मॉलिकुलर इमेजिंग ऑफ रेटिव एक्टिव मटीरियल ठीक है तो सेलुलर और मॉलिकुलर बिहेवियर जो होता है दैट इज ट्रैक बाय यूज ऑफ बायो मार्कर ठीक है विच आर डिजाइन टू अटैच एंड एनहेंस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ डिजीज टिश्यू और इंडिकेट द वेरियस पाथ इन द फिजोलॉजिकल प्रोसेस ठीक है तो इसे काम में कहा लेते हैं इट इज यूज ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड यूज टू हेल्प डायग्नोसिस एंड ट्रीट अब नॉर्मलिटीज डेवलप वेरी अर्ली इन द डिजीज न्यूक्लियर इमेज जो ली जा रही है ये न्यूक्लियर इमेज जो होती है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन है जैसे कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड मेडिसन्स इन सब का ये कॉम्बिनेशन है जिसकी सहायता से हम मोलिकुलर इमेज को लेते हैं इट एग्जामिन द ऑर्गन फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर वेयर एज द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज बेस्ड प्रिमिनरी ऑन एनाटॉमी ट्यूमर्स इन्फेक्शन एंड अदर डिसऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड बाय इवेलुटिंग द ऑर्गन फंक्शन इन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेस्ट रेडियोसोटो इंजेक्टेड ठीक है इंजेक्ट किए गए स्वेल की गई या नहल किए गए ईच रेडियोर आर अटैक्ट टू द स्पेसिफिक ऑर्गन बोन्स और टिश्यू जहां पे आपको जो आप कटा हुए टिश्यू है वहां पे उनको टार्गेट किया जाता है ठीक है फिर स्पेशल तरह के जो कैमरा होते हैं जैसे कि पीईटी, एसपीई, एस पी ई सी टी गामा कैमरा इनके द्वारा पिक्चर्स को ले लिया जाता है ठीक है टेक पिक्चर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो आ, रेडियो फार्मास्यूटिकल इन द बॉडी ठीक है तो बीई टी और एम ई आर दोनों एक टिपिकल एग्जाम्पल है बट दे रिक्वायर द वेरी एक्सपेंसिव स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट एंड ऑल्सो द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी सेफ्टी गाइडलाइन अब जब रेडिएशन के साथ काम कर रहे हैं आइसोटोप के साथ काम करें तो एक सेफ्टी गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है ठीक है तो आनाजिंग रेडिएशन कैन लीड टू सेलूलर डैमेज एंड म्यूटेशन, ठीक है तो रेडियो एसिटोब नीड टू हैंडल सेफली एट ऑल टाइम एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सपोजर मस्ट ऑलवेज बी टेकन ठीक है जो भी टाइम है वो कम से कम काम में लेना चाहिए ठीक है वेन एवर पॉसिबल जब भी ये पॉसिबल हो प्लगजी ग्लास शिल्डिंग शुड शेल्डिंग शुड बी प्लेस बिट्वीन द यूजर एंड रेडियो सैम्पल ठीक है कोट एंड डिस्पोजेबल ग्लव्स ठीक है शुड बी वॉर्न एट ऑल टाइम्स अवॉइड द इंजेक्शन ऑफ आइसोटोप बाय ऑब्जर्विंग द नो ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग एंड माउथ पीपिटिंग ठीक है तो कुछ यूजर्स ऐसे भी करते हैं कि दे आर द मोर रिलैक्स विद द यूज ऑफ लो एनर्जी आइसोटोप ठीक है बट लो एनर्जी आइसोटोप क्या होते हैं शॉर्ट ट्रेवल करते हैं और ज्यादा सेलर डैमेज को वो कर सकते हैं ठीक है तो मैं सोचती हूं आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थैंक यू